helpless. बेचारा, बेचारगी, जो बहुत कुछ अपनी बेहतरी, बहबूदी, बहाली और खुशहाली के लिए चाहता है, लेकिन आज खुद आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर वो उन लोगों की तरह बुत प्रस्त नहीं जो पहाड़ों की तरफ आंखें उठाते। कल बताया मैंने, पहाड़ों की पूजा करते, चट्टानों की पूजा करते, दरियाओं की पूजा करते। जबूर 121, बेशक ऐसी जिंदगी को पेश कर रहा है जो बेबस है पर बेईमान नहीं, पर बेईमान नहीं, इसलिए कि अगली गवाही से पता लगता है कि मेरी कुम्मक खुदावंद से है, पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से नहीं, मकबरों से नहीं, मंदिरों से नहीं, मुर्दों से नहीं, पहाड़ियों से नहीं। कुछ भी हो, बेबसी है। बड़े लोग हेल्पलेस होने की वजह से, बेबसी होने की वजह से बेईमान भी हो जाते हैं। पर जबूर 121 के अंदर ऐसे बेबस, पशमुर्दा और हारे हुए, थके हुए और कमजोर, कुचले हुए लोगों के लिए पैगाम है, मेरी कुम्मक खुदा से है। जिसकी गवाही क्या है? जिसने आसमान और जमीन को, इस दुनिया में भी आज भी कितने बेशुमार लोग हैं जो जादूगरों की पूजा करते, बदरूहों की पूजा करते, नापाक तासीरों की पूजा करते, नजूमियों की पूजा करते, लेकिन मैं यहां पर खुलेआम सरेआम चैलेंज करता हूं, बताओ कोई ऐसा जादूगर या नजूमी या कोई ऐसा शख्स जिसने आसमान और जमीन को बनाया, मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। आगे चले, आज मैं ये बताना चाहूंगा, पहाड़ों का जहां तक तसलसल या जिक्र है, बाइबल मुकद्दस में पढ़े बेशुमार पहाड़ है, पर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों में से कौन सा पहाड़ होगा जहां मेरी कुम्मक हो, और मेरी कुम्मक खुदामंद हो कोई पहाड़ नहीं हो। मेरी कुम्मक कोई पहाड़ नहीं हो, बल्कि पहाड़ के ऊपर मेरा खुदावंद हो। पहाड़, पहाड़ मेरे खुदावंद के पांव के नीचे हो। मेरी कुम्मक उससे है जिसके पांव के नीचे पहाड़ हो। लिहाजा पहाड़ों का जहां तक ताल्लुक है,
बाइबल मुकद्दस में पहला पहाड़ बोले कोहे अरारात, कोहे अरारात, कोहे अरारात बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक पैदाइश आठवें बाब में इसका जिक्र है, इसको अदालत का पहाड़ कहा गया है। कौन सा पहाड़? यह मदद का पहाड़ नहीं है। मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक कहां से आएगी? इन पहाड़ों में से कौन सा पहाड़ जहां कुम्मक मुहैया हो? मुझे स्ट्रगल करके, जोर लगा के और एड़ियां रगड़ के और कोनियां रगड़ के पहाड़ों पर या पहाड़ियों पर ना चढ़ना पड़े, बल्कि कोई ऐसी कुम्मक आए जो पहाड़ों से मेरे लिए नीचे उतर आए। हालेलुया। कोई अरा रात की तरफ देखा जाए तो कोई मदद नहीं है, कुम्मक नहीं है। ओके, हकीकत तो यह है, हर पहाड़ जिसका मैं जिक्र करता जाऊं काबिले तफसीर है, लेकिन इतना वक्त नहीं है। आगे फिर पैदाइश 22वां बाब, पहला पहाड़ छोड़ दे छोड़ दे, पहला पहाड़ कोहे अरारात अदालत का पहाड़, दूसरा दूसरा कौन सा बोले कोहे मूरिया का पहाड़, कोहे मूरिया का पहाड़ कुर्बानी का पहाड़ कहलाता है। कौन सा पहाड़? कुर्बानी का पहाड़ कहलाता है, जहां पर इब्राहिम को यह कहा गया था कि अपने बेटे को वहां ले आ और उसे कुर्बान कर। सो बहरहाल उसकी फरमाबरदारी थी जब वो वहां गया, पर खुदा ने फिर उसके इव्ज एक जानवर बर्रा या मेंढा दे दिया। पर उस पहाड़ से भी हमारा हमारा मसला हल नहीं होता, इसलिए इसलिए यह पहाड़ भी ऐसा पहाड़ है जहां अवक्ती तौर की मदद तो हुई लेकिन जानवर की। हमारे लिए ऐसी मदद और कुम्मक चाहिए जो जानवर भी ना हो पर बर्रा हो, लेकिन चार टांगों वाला भी ना हो और खुदामंद भी हो और वो खुदा का बर्रा यीशु मसीह। क्योंकि मेरी कुम्मक खुदामंद से है, दो टांगों वाला बर्रा, गुनागार दो टांगों वाला, ए कुर्बान चार लतों वाला क्यों हो टांगों वाला? हा, यही बशारत है, यही मुताबकत है, मुनासिबत है, मुआफकत है। निजात देने वाला बर्रा भी दो टांगों वाला, एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट लैम्ब ऑफ गॉड। हालेलुया। तीसरा पहाड़ बोलो कोहे हूरब, कोहे हूरब, कोहे हूरब का पहाड़ खरूज 32 बाब में है, यह पाकीजगी का दर्स देता है। वो पहाड़ जिसके करीब जब मूसा आया और झाड़ी में आग लगी हुई थी, और जब जैसी वो आगे बढ़ा और उसे आवाज आई, वो वहीं रुक गया और कहा कि ये जगह पाक है, जूती उतार और फिर ऊपर आ। लेकिन मैं इस वक्त कोहे हूर पर नहीं हूं। हालेलुया। मैं कोहे हूर पर नहीं हूं, मैं कोहे कैलवरी, कोहे कैलवरी पर जान देने वाले यीशु मसीह का खादम हूं जो मेरी पाकीजगी है, जो मेरी पाकीजगी है। कोहे हूरब मूसा की पाकीजगी तलब करता है, लेकिन मेरी पाकीजगी, मेरी कुम्मक, मेरी बेबसी का चारा और इलाज
को है कैलवरी वाला यीशु है और आपका भी है। ओके, चौथा पहाड़ बोले कोहे सीना। कोहे सीना खरूज 19वें बाब में शरीयत का पहाड़। कौन सा पहाड़? ऐसा पहाड़ जहां पर शरीयत दी गई, खुदा के आइन दिए गए, खुदा के कानून दिए गए थे, अहकाम दिए गए थे।